आज मैं बनाने जा रही हूँ मुठिया, जो कि गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अलग अलग तरह के आटे को मिला करके ये बनाई जाती है और बनाने में ये बिल्कुल आसान है। इसमें तेल वगैरह का इस्तेमाल भी बिल्कुल कम होता है, तो ये हेल्दी भी काफ़ी है। अलग अलग तरह के इसमें जैसे घिया, मेथी, पालक डाल करके बनाया जाता है ये। तो मैंने 1 कटोरी इसके लिए रेगुलर गेहूं का आटा लिया है, 2 चम्मच बेसन लिया है और 2 चम्मच सूजी लिया है मैंने इसमें, और 2 चम्मच गेहूं का मोटा वाला आटा लिया है इसमें, 2 चम्मच दही ले लिया है, 2 से 3 चम्मच दही लिया है। दही इसलिए लिया है क्योंकि ना ये अंदर से थोड़ा सॉफ्ट होगा। 1 चम्मच चीनी डाल लिया है, स्वादानुसार इसमें नमक डाल लिया है और डाल लिया है इसमें 1 चम्मच जीरा, खड़ा जीरा है, और इसमें डाल लिया है मैंने अदरक और हरी मिर्च को कूट करके। तो 2 हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने खलबट्टे में कूट लिया है। और अब डाल लिया है सफ़ेद तिल, तो 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल लिया है, 1 चम्मच तेल डाल लिया है। इसमें तेल बहुत कम लगता है। 1 मुट्ठी मैंने इसमें डाल लिया है मेथी, 1 मुट्ठी डाल लिया है इसमें बारीक कटा पालक, तो इसमें मेथी का पत्ता बहुत ही फ्रेश आ रहा है, और डाल लिया है 2 पिंच नींबू मैंने इसमें। अब डाल लेते हैं कुछ मसाले। इसमें डाल लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और डाल लिया है इसमें जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, और इसमें डाल लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी इसमें डाली है तो इसलिए तीखा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। अब इसे मुट्ठी में बांध बांध करके हमें अच्छी तरह पहले सारे चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब धीरे धीरे पानी डाल करके इसको एक मतलब हार्ड सा इसका डो हमें लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी आपको इकट्ठा नहीं डालना है वरना ये गीला गीला सा हो जाएगा, तो फिर मुट्ठी में ये बंद नहीं पाएगा, क्योंकि हम इसका मुठिया बना रहे हैं तो मुट्ठी में बांध बांध करके हम इसे बनाएंगे। तो इसलिए देखिए इस तरह का हमारा डो होना चाहिए। डो लगा करके आप इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख लीजिए, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है और गेहूं का मोटा वाला आटा डाला है, तो इसलिए इसे 5 मिनट का आप चाहे तो ढक करके रेस्ट पे रख लें। और अब इसे इस तरह देखिए, हाथों में थोड़ा तेल लगा करके या पानी लगा करके इसका इस तरह मुट्ठी में बांध बांध करके हम इसका मुठिया बना लेते हैं। आप चाहे तो इसका रोल जैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग शेप में भी बनाई जाती है ये, लंबे रोल में बना करके। और जब ये बन जाता है तो इसकी इसका पीस छोटा छोटा काट लिया जाता है, लेकिन मैंने इसे इस तरह मुट्ठी में बांध बांध करके मुठिया बनाया है, क्योंकि इसे इस तरह बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये नाश्ते में आप ले सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है और बहुत जल्दी झटपट से बन भी जाता है, टाइम भी बहुत कम लगता है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई चढ़ा रखी है, कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डाला है और इसे उबाल पे आने के लिए रखा है। तब तक हम अपने प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं, थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लिया है ताकि इसके ऊपर हमारा मुठिया चिपके नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल करके इसे ग्रीस कर लिया है, और अब रख देते हैं और फ्लेम को हाई कर देते हैं ताकि हमारा प्लेट भी गर्म हो जाए। और अब इसमें अपने सारे पीसेस को रख देते हैं। रख करके इसे हमें ढक देना है, ढक करके 12 से 14 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। डिपेंड करता है, अगर साइज बड़ा है तो आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है, अगर साइज आप छोटा छोटा रख रहे हैं तो टाइम आपको कम लगेगा इसे स्टीम करने
में। आप चलिए देख लेते हैं उसे, 12 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं एक नाइफ से। तो ये देखिए नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हो गया है। चलिए इसे निकाल लेते हैं, और निकाल करके आप इसे ना थोड़ा सा पलट करके ले देख लीजिए। वैसे तो ये बिल्कुल हो गया है। हाँ, अब हम इसे निकाल लेते हैं, और निकाल करके इसे हल्का सा ठंडा करके हाथ को बर्दाश्त करने लायक आप चाहे तो इसमें पीस कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो इसी तरह इसे काट लीजिए। तो मैं इसमें ना एक में दो दो पीस कर लेती हूँ, और देख रहे हैं अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हुआ है, क्योंकि हमने इसमें दही डाली है, इसलिए दही से स्वाद तो अच्छा आएगा ही, साथ साथ अंदर से ये सॉफ्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो सारे पीसेस काट लिए हैं, और अब यहाँ पे एक पैन रख लिया है, और पैन में डाल दिया है 1 से 2 चम्मच तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं, और अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, और डाल लेती हूँ मैं आधा चम्मच सफेद तेल। और मेरे पास क्योंकि सूखे वाले कढ़ी पत्ता है, आपके पास फ्रेश हो तो वो डालिए। तो 8 से 10 पत्ता मैंने कढ़ी पत्ता का डाल लिया है, इससे इसका स्वाद काफी अच्छा आता है। थोड़ा सा लाल हो जाने देते हैं, बस हल्का सा लाल हो जाएगा, तो डाल लेते हैं अपने सारे पीसेस को इसमें। हल्के हाथों से इसे ऊपर नीचे कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं बस 1 से 1.5 मिनट के लिए। हम इसमें अच्छी तरह ऊपर नीचे इसे कोट कर लेते हैं। तो ये हो गया है, और अब इसे अच्छे से कोट हो जाने के बाद में गैस को हम बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद में ये थोड़ा और ज्यादा चटपटा हो जाए, तो इसमें हम डाल लेते हैं नींबू का रस। तो नींबू का रस डालने से ना बहुत ही ज्यादा एकदम चटपटा सा स्वाद आता है इसका, और एक बार इसे भी मिक्स कर देते हैं। लेकिन नींबू का रस आप ना गैस बंद करके ही डालें, वरना ना आपकी रेसिपी कड़वी हो जाएगी अगर आप जलते हुए गैस पे नींबू का रस डाल देंगे। तो आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस रेसिपी को बना करके बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, किसी भी चटनी या सॉस के साथ अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप इसे दे सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए आप ही बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।